वेलकम दोस्तों, आज वीडियो में जानने वाले हैं सोलेनॉइड वाल्व के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो सेंट्रल एसी रहते हैं, बड़े बड़े यूनिट रहते हैं, उसके अंदर कंट्रोलिंग डिवाइसेस फीचर्स ज़्यादा रहते हैं, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है सोलेनॉइड वाल्व। सोलेनॉइड वाल्व जो है ख़राब हो जाता है या सही है, कैसे चेक करेंगे, उसका काम क्या है, पूरा ओपन करके टेस्टिंग के बारे में जानने सीखने वाले हैं। अगर आपको मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो आप पूरा वीडियो देखिए, फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप देख सकते रहेंगे, ये जो है डैनफोर्स कंपनी का सोलेनॉइड वाल्व है। ये जो है 220-230 वोल्टेज एसी वोल्टेज पर ये काम करेगा, 10 वाटेज का है ये। देख सकते हैं ये नॉर्मल जो है जो फ्रीजर था उसमें यूज किया गया था बाईपास करने के लिए सिस्टम को। इसे हम चेक करते किस तरह से हैं और इसका फीचर कंपल्सन क्या रहता है, ये हम जानेंगे देखेंगे। ऐसे देख सकते रहेंगे, ये नॉर्मल एक वाल्व है। यहाँ पे देख सकते रहेंगे, यहाँ से गैस इन हो रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है, या इधर से इन हो रहा है या इधर से आउट होगा, किधर से भी समझ सकते रहेंगे। ये एक रास्ता है, यहाँ से इन आउट हो रहा है। अगर हमें इसे बंद करना है तो सीधे से हमें एक मैनुअल वाल्व लगा रहेगा, तो हम इसे हाथ से इसे बंद कर सकते रहेंगे और इसे ऑपरेट कर चालू कर सकते रहेंगे। यहाँ से एग्जाम्पल, हमें यहाँ से गैस जा रहा है, आगे जा रहा है, हमें बीच में बंद करना है तो हाथ से वाल लगा हुआ है बंद करें। बट ये जो सोलेनॉइड वाल लगाने से क्या फायदा होगा, ऑटोमेटिक तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, टाइमर के माध्यम से, जब भी रिक्वायरमेंट रहेगा, ज़रूरत रहेगा, एक जगह से बैठ के ऑटोमेटिक सिस्टम कंट्रोल के माध्यम से इसे ऑपरेट कर सकते रहेंगे, ये वाल को बंद कर सकते रहेंगे। इसका डायरेक्शन भी दे सकते रहें, यहाँ पर दिया हुआ एरो गैस जो यहाँ से पास आगे करेगा जाएगा। और इसे चेक कैसे करते हैं, उसके अंदर कैसे वर्क करता है, क्या चीज़ रहता है, ये भी हम पूरा डिटेल्स में जानते देखते हैं। बेसिक आपने इसका समझ सकते रहेंगे, वाल है ये ऑटोमेटिक तरीके से वाल है, सोलेनॉइड वाल है, बंद करता है, चालू करता है, जो भी हमें रिक्वायरमेंट रहता है। इसे चेक करने के लिए हम कंटिन्यूटी मोड पर रखेंगे, चेक करेंगे। यहाँ देख सकते हैं हमारे पास डिजिटल मीटर है, कंटिन्यूटी मोड पर रखा है और इसे हम चेक करते हैं। चेक इसका नॉर्मल 1-3 पॉइंट जो दिया हुआ है, ये एक अर्थिंग के लिए दिया है और 2 जो है फेस न्यूट्रल दिया हुआ है। तो एक हम यहाँ पर लगा लेते हैं और एक ऊपर लगा लेते हैं, क्या रीडिंग आता है देख सकते हैं। यहाँ पर इसको रिस्टेट कर लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर ओम्स शो कर रहा है। ओके, यहाँ पर देख सकते रहेंगे रेजिस्टेंस ओम्स शो कर रहा है ये। फंक्शन इसे हम कंटिन्यूटी मोड पर रखेंगे या फिर फंक्शन पर चेक करेंगे। इसका जो है बेसिक कंटिन्यूटी शो करना चाहिए, रेजिस्टेंस जो शो करना चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पर ओम्स पर जो रेजिस्टेंस शो कर रहा है ये, फिर सही माना जाएगा। अगर कंटिन्यूटी कुछ नहीं शो करेगा तो ख़राब माना जाएगा। इसके अंदर क्या है, कॉयल ज़्यादा है, टर्न ज़्यादा रहता है, फिर डायरेक्टली वर्क नहीं कर रहा है। वैसे इसे हम जो है कंटिन्यूटी मोड पर रख करके कंटिन्यूटी से चेक करेंगे। डाउट कुछ है तो आपको यहाँ पर हमारे पास एक मैनुअल है, इसे हम चेक कर लेते हैं, दिखा देते हैं कंटिन्यूटी इसमें शो करता है या नहीं करता है और क्या चीज़ें हैं डिजिटली। हमें यहाँ पर पॉइंट लगा देना है, एक यहाँ पर लगा लेते हैं, कंटिन्यूटी पर रखते हैं, कंटिन्यूटी कैसे करते रहेंगे। नीडल जो है आगे जा रहा है, हम लोग जो आगे जा रहा है यही ऊपर चेक करते हैं, यहाँ पर कंटिन्यूटी शो कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंटिन्यूटी शो कर रहा है यहाँ पे, ये सही माना जाएगा। कुछ तरह से आप चेक कर सकते रहेंगे। उसके बाद इसमें पावर देना है, चेक करेंगे पावर पर कितना वोल्टेज पे वर्क करता है और क्या रहता है, ये भी हम लोग को दिखाते हैं। तो डायरेक्ट इसमें हम पावर भी देख सकते रहेंगे। ये हमारे पास कोड वायर है, यहाँ पे हमने थिमर्स लगा लिया है इसे पावर देने के लिए, चेक करने के लिए, टेस्ट करके आपको दिखाने के लिए। तो दे सकते रहेंगे, यहाँ पर हमने जो पावर दे दिया है स्ट्रॉन्गली दे दिया है, यहाँ पे पावर दो के दोनों फेस न्यूट्रल दे दिया है और इसे हम पावर दे करके यहाँ एम्पियर मीटर भी लगा लेते हैं, इससे आपको मालूम चलेगा वोल्टेज एम्पियर लोड ले रहा है कि नहीं ले रहा है, कुछ हो रहा है क्या हो रहा है, फिर देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। ये देखिए एम्पियर भी लोड ले रहा है, ये 1 एम्पियर ले रहा है और ये ऑपरेट हो गया है। यहाँ पे भी चेक सकते हैं, मैग्नेट बनाना चाहिए। चेकिंग करने का तरीका, टेस्टर लेंगे, यहाँ पर मैग्नेट बना रहा है। अगर ये मैग्नेट यहाँ पर नहीं बनाएगा तो ये ख़राब माना जाएगा। अब देखिए टेस्टर लेंगे, यहाँ पर मैग्नेट बना रहा है ये और ये अपना काम कर रहा है। अभी जो है यहाँ से वाल्व जो है ओपन हो गया है, यहाँ से पावर आगे गैस जो आगे जाएगा, पास होगा, इसी तरह चेक कर सकते रहेंगे।
तो कुछ इस तरह से इसको हम चेक कर सकते रहेंगे, टेस्टिंग वगैरह कर सकते रहेंगे। इसके अंदर क्या है वो भी हम खोल करके आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर हम बंद चालू करते हैं तो आवाज़ तक करके आएगा, आवाज़ में सुधरी खींचा इसने, यहाँ पर आवाज़ आ रहा है। ओके, इस तरह से आवाज़ भी आना चाहिए, इस तरह टक टक करके आवाज़ आ रहा है तो सही माना जाएगा। वैसे यहाँ पे गर्म हो रहा है, इसे ओपन करने के निकालने के लिए यहाँ से पुश करके और को हम बाहर भी ले सकते हैं, तो भी हम करके एक बार देखते हैं। तो अभी देख सकते रहेंगे, इसे हमने लूज कर लिया है थोड़ा, इसके अंदर क्या रहता है वो हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे ये लॉक है और ये देख सकते हैं ये, यहाँ पे ये जो है इसके अंदर कुछ मैकेनिकल पार्ट्स हैं। ये लॉक यहाँ पर देख सकते हैं, पॉइंट जो दिया हुआ है ये लॉक रहता है जिससे ऊपर ना आए। इसके अंदर भी देख सकते रहेंगे दिया हुआ है, ये जो इसके अंदर बस ओनली क्वाइल है, कई बार एक डैमेज हो गया है, ख़राब हो गया है, ये भी हम चेंज कर सकते रहेंगे। बट दोनों साथ के साथ में ही आता है, देखते हैं दोनों जो है एक साथ में ही आता है, अलग नहीं आता है। तो बेसिक कुछ इस तरह से हम इसे निकाल करके चेक कर सकते रहेंगे। क्वाइल को चेक करने के लिए फिर से एक तरीका और बता देते हैं, डायरेक्ट इसमें हम पावर देंगे। पावर देने के बाद ये क्वाइल है इसके अंदर मैग्नेट फील्ड जनरेट होगा। टेस्टर की मदद से हम चेक करेंगे, ये देख सकते हैं खींच रहा है, ये इतना पावरफुल खींच रहा है, हम दिखाते हैं आपको कैसे खींच रहा है। ये दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर खींच लिया ये, इसको हम नीचे गिराते हैं तो नहीं गिर रहा है ये, क्योंकि मैग्नेट इसके अंदर जनरेट हो गया। वापस खींच लेते हैं तो देखिए पकड़ लिया है ये, ठीक है ये पकड़ लिया है। ये यहाँ से हम चेक करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर रखते हैं और ये खींच लिया और ये पकड़ लिया है, देख सकते रहेंगे। इसके अंदर पकड़ लिया है मैग्नेट, तो इस तरह से इसका क्वाइल भी हम चेक कर सकते रहेंगे सोलनॉइड का, ये सही है या ख़राब है। तुम देख सकते रहेंगे यहाँ पर लगाते हैं और ये देखिए खींच लिया इसने, है ना। वापस यहाँ पर लगा लेते हैं, फिर देखते हैं, देखिए इसने खींच लिया, पकड़ लिया, इसके अंदर मैग्नेट जनरेट कर रहा है। अगर ये मैग्नेट जनरेट करता है तो इसके अंदर भी सेम रहता है, प्लंजर रहता है, वाल ये क्या करता है अंदर से ऊपर साइड में खींच लेता है, जिसकी वजह से वाल जो है चालू होता है, बंद होता है, ऑपरेट होता है। तो इसे भी हम खोलेंगे, खोल करके आपको दिखाते हैं इसके अंदर भी क्या रहता है, कैसा चीज़ रहता है प्लंजर। तो बाकी और भी इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आप जानकारी चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तुमसे जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते रहेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है, ऑल नोटिफिकेशन आता है, उसे ऑन जरूर करें, जिससे कुछ भी इस तरह से वीडियो बनाएं आपके पास भेज सकें। अगर आप इसे ऑनलाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बहुत से टूल्स कंपनी का ऑफर चल रहा है, उसका फ़ायदा आप ले सकते रहेंगे। ये वीडियो का फीडबैक दीजिए, कुछ जानकारी मिला या नहीं मिला, आगे और क्या चीज़ के बारे में जानना सीखना चाहेंगे। तो आज आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।